फ्रेंड कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और, तो हमारे पास एक देख सकते हैं होनर का एक मॉडल है, होनर 8 लाइट। तो इसकी FRP देख लेते हैं पहले, लगी हुई कि नहीं लगी है। तो इसके बटन हम जैसे प्रेस करते हैं तो बोल रहा है नॉट सिंकिंग। पहले आप इसमें गूगल अकाउंट सिंक करिए, प्लीज़ कनेक्ट योर इंटरनेट फास्ट। तो गाइज इसमें देख सकते हैं, जैसे मैं स्किप का बटन यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये एक मैसेज दे रहा है कि पहले आप इंटरनेट कनेक्ट करके गूगल अकाउंट डालिए। तो मतलब इसमें गाइज FRP लगा हुआ है। ये होनर का 8 लाइट है जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो इसके FRP आने वाले हैं बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से FRP रिमूव करेंगे। तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पता है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा, मैंने आपको यहाँ पे दिखा चुका है। चलिए फटाफट वीडियो को देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे अनलॉक टूल यूज करने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप ये मैंने कैसा सा प्रोसेस कर लिया है। बाकी आप थोड़ा बहुत इंटरफेस चला रहे होंगे तो इतना आपको नॉलेज होगा ही होगा। तो चलिए फटाफट मैं आपको इसका पहले टेस्ट पॉइंट दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे ऐसा टेस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको आपको टच करना है ट्वीजर्स के थ्रू और ग्राउंड करना है, और जिससे आपका पोर्ट बना लेगा 1.8 USB ड्राइवर। मैं आपको पोर्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये पोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हवाई का 1.0 पोर्ट यहाँ पे बना चुका है। अब सिंपल और सिंपल आपको क्या करना है, एक स्टेप और फॉलो करना होता है जैसा कि मैं यहाँ पे करके रखा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे जो इसका किरिन CPU है जो 6655 है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ हमारा 655 कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो केरिन CPU है हमारे यहाँ पे, 655 V1 और V2। तो मैं पहले ही वो ले लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं सीधा और सीधा लिखा है इरेज FRP। इरेज FRP पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा फोन कनेक्ट हो चुका है, बस थोड़ी देर में अनलॉक हो जाएगा। और तो आपको पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए तो आप इसे टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए जिससे आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे फायर हो चुका है, तो यहाँ पे 2 है, इसको कर लेंगे। तो गाइस जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, तो मैं आपको बात करूँ यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 655 जो लिया था वही एरर था। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर मान लीजिए पर्टिकुलर आपका CPU या मॉडल नहीं मिलता है तो आप एक दूसरे से मॉडल को ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा जब मैंने यहाँ पे अपना पर्टिकुलर 655 लिया था तो यहाँ पे एरर आ रहा था, बट मेरे फिर मैंने क्या किया 659। ये बेसिकली बता दूँ होनर 9 लाइट CPU में ये आता है, होनर 9 लाइट CPU का नंबर रहता है बेसिकली। तो यहाँ पे अभी रिबूट होगा फास्ट बूट, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी FRP ओनली 48 सेकेंड में जॉब डन हो चुकी है। अब देखते हैं फाइनली ऑन होता है कि नहीं होता है गाइस। तो चलिए जैसा कि आपने पीछे देखा, मैं इसको अब चालू करता हूँ, ऑन करता हूँ, देखता हूँ कि हमारा जो FRP है वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। आप देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पे ओनली 48 सेकेंड में इसके FRP रिमूव हो चुकी है। ये आपके सामने लाइव था, एरर भी आया था, जो एरर से यहाँ पे देख सकते हैं 655 हमने जब सेलेक्ट किया तो फोन बूट नहीं हुआ था बेसिकली। तो बूट नहीं हुआ था तो फिर मैंने यहाँ पे 659 ले लिया। और ये हमेशा जो 659 है, देखा गया है कि ज़्यादातर ये 659 में FRP 100% जॉब डन होती है, चाहे वो 9 लाइट का हो। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर उससे भी नहीं होता तो आप सीधा अपने पर्टिकुलर अपने मॉडल वाइज यहाँ पे जाकर के भी कर सकते हैं। जो आपका मॉडल होगा 8A 8C 8, जैसे यहाँ पे होनर 8A और ये 8S जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप उसके अपने मॉडल वाइज भी जा सकते हैं। तो फिलहाल ये इरेज हो रहा है, मतलब FRP तो रिमूव हो गई है। अब देखते हैं फाइनली कि हमारी FRP रिमूव होती है कि नहीं होती है। तो फाइनली चलिए देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब देखते हैं कि कम्प्लीटली काम हुआ कि नहीं, तो एग्री कर देते हैं। और यहाँ तक तो हो ही जाता है गाइज, यहाँ तक तो नॉर्मल है बेसिकली। यहाँ पे लेटर कर देता हूँ, यहाँ पे भी लेटर कर देता हूँ, और इसको एग्री कर देता हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे, और इसको भी एग्री कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। ये अभी वाईफाई का सेक्शन आ गया, यहीं पे स्किप का बोल रहा था। अगर ये स्किप हो जाता है तो जॉब डन हो जाएगा, नहीं होता है तो इसमें FRP फिर से लगी हुई है। तो देख सकते हैं स्किप हो चुका है, जॉब डन हो गया यहाँ पे। अब फटाफट मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी सेटअप पे क्लिक कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओके कर देंगे, नॉट नो कर देंगे, यहाँ पे नॉट नो कर देंगे फिलहाल। अभी इसको स्किप कर देंगे, ID वगैरह गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, और FRP जॉब डन ओनली 48 सेकेंड में, सॉरी 38 सेकेंड में FRP जॉब डन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।